हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सी फंक्शंस इन सी क्वेश्चन इन है करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फंक्शन का यूज़ कर से करते हैं, यहाँ पे इसका यूज़ दिया है। सो टास्क इज ही राइट अ फंक्शन इंट मैक्स ऑफ 4। सो इन ए बी सी डी में से हमें मैक्सिमम मैक्सिमम पिक करना है। सो फॉर दिस वी हैव टू राइट अ फंक्शन मैक्स ऑफ 4। देर इज नो बिल्ट इन मैक्स फंक्शन इन सी कोड दैट विल यूज ओपन। सो लेट्स सी इनपुट फॉर्मेट क्या है, ए बी सी डी, और आउटपुट प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स। ओके, सो यहाँ पे हमें यह इंटीजर्स दिए हैं 4, और इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 6। सो 6 विल बी द आंसर। सो नाउ लेट्स गो हियर। सो यहाँ पे ए बी सी डी स्कैन एफ क्या है, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना है जो कि रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे यह फंक्शन है हमारा। सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। इंट क्यों है, क्योंकि रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे चारों नंबर्स ए बी सी डी यहाँ पे पास कर रहे, तो ए बी सी डी यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। सो इस यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा मैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू कर लेता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन सी और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, मीन्स यह सबसे बड़ा है। सो रिटर्न कर देंगे आर ई टू आर एन ए, एल्स इफ, अभी बी के लिए देखेंगे, अगर बी ग्रेटर देन ए है एंड बी अगर ग्रेटर देन सी है एंड बी अगर ग्रेटर देन डी है, तो रिटर्न कर देंगे बी को। नेक्स्ट वन इज एल्स इफ सी को देंगे, अगर सी इज ग्रेटर देन ए है और अगर सी इज ग्रेटर देन बी है और अगर सी इज ग्रेटर देन डी है, तो रिटर्न कर देंगे सी को। और लास्ट में अगर ए बी सी नहीं होगा तो क्या होगा, डी होगा, सो रिटर्न डी। सो दिस इज आवर कोड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। सो यहाँ पे 3, 4, 6, 5। सो लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे यूज़र क्या देगा, 3, 4, 5, 6। सो मैक्सिमम फंक्शन से हम कॉल करेंगे 3, 4, 5, 6 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू कितनी होगी, 3, 4, 5, 6। अभी ए को देखेंगे, क्या ए इज ग्रेटर देन बी है, क्या 3 इज ग्रेटर देन 4 है, क्या नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, तो हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। सो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट एल्स ब्लॉक देखेंगे, क्या 4 इज ग्रेटर देन 3 है, हाँ है। अभी यह कंडीशन ट्रू है, मीन्स आगे जाएंगे, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्या 4 इज ग्रेटर देन 5 है, नहीं है। सो यहाँ पे फॉल्स आ गया, मीन्स आगे नहीं जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अभी देखेंगे सी की वैल्यू कितनी है, 5, क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज सी इज ग्रेटर देन बी, 5 ग्रेटर देन 4 है, क्या हाँ है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट कंडीशन सी इज ग्रेटर देन डी, क्या 5 ग्रेटर देन 6 है, क्या नहीं है। सो दिस इज फॉल्स, और एंड में कुछ बचे नहीं, मीन्स डी इज द ग्रेटेस्ट, सो ये रिटर्न कर देगा 6 एंड 6 इज आवर आंसर। सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा हमारा, 6 विल बी हियर एंड प्रिंट ऑफ 6। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सबमिट। रन द कोड, यहाँ पे हमारा कोड रन हो चुका है, सबमिट द कोड, सबमिट भी हो चुका है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग दिस फंक्शन एंड इफ ब्लॉक्स।